आप देख सकते हैं ये हमारा चना दाल कचरी रेसिपी है। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखा सकती हूँ अंदर से कितना बढ़िया बना है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, अच्छी तरीके से पक चुका है। आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना। चना दाल कचरी, इसे हमें बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, ये मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज काट लिया, चार हरी मिर्च काट लिया, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता काट लिया और ये हमारा अजवाइन, आप देख सकते हैं इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। और ये हमने थोड़ा सा कच्चा चना दाल निकाल लिया और बाकी के चने दाल ये है, इसे हम पीस लेंगे। चलिए इसे पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने ग्राइंडर लिया है और ये मेरा चना दाल, इसके अंदर डाल देंगे, चना दाल सारा ऐड कर देंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसे हम करेंगे बंद और इसे हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा दाल पिस चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बारीक तरीके से मैंने पीस लिया, बिल्कुल पेस्ट बन चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से पीस लें। अब इसे हम पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरा लिया, इसके अंदर मैं सारे दाल पलट लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सारे दाल इसमें ऐड कर ली। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। तो आप देख सकते हैं मैंने दाल इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये हरी मिर्च, चार हरी मिर्च मैंने ले लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, आप देख सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता लिया। और ये हमारा अजवाइन है, ये मैंने आधा चम्मच लिया। और ये हमारा भीगा हुआ चना दाल है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मैंने आधा चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अभी हमारा हो चुका है, अब हम इसे करेंगे मिक्स। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसे चना दाल कचड़ी को फ्राई कर लेंगे। पहले थोड़ा सा चेक कर लें कि आपका तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब उसमें इस तरीके से हल्के हाथों से दबा दबा के इस तरह से प्रेस करके हम इसमें ऐड कर देंगे, ये इस तरीके से। इसी तरीके से सभी को बना लेंगे और इसमें छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कचरी का कलर तेज कलर ब्राउन हो रहा है, हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसे रमजान में बनाए, रमजान के लिए मैंने अभी मैं इसे इफ्तार के लिए बना रही हूँ। आप भी बिल्कुल बनाएं और खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये कचरी खाने में। और इसे अच्छा ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कचरी कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब ये हो चुका, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब इस तरीके से निकाल लें, देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया है। मैं
कढ़ाई से निकाल लूँगी और बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप इसी तरीके से करें तो आपके कचौड़ी बहुत ही अच्छे गोल गोल बनेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कचौड़ी फ्राई हो रहा है, इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे हम अब निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से पक चुका है, इतना बढ़िया इसका कलर आया। चलिए इसे निकाल लेते हैं, बाकी सबको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा चना दाल का कचरी बिल्कुल रेडी है, आप इसे चटनी के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया, वाओ। तो ये हमारा कचरी रेसिपी तैयार है, आप भी बनाएं।